करीबी विधायक धर्म सिंह छोकर की बड़ी मुश्किलें। पानीपत की राजनीति में अचानक बड़ी हलचल। पूर्व विधायक भरत सिंह छोकर की कांग्रेस में वापसी। कुछ महीने पहले ही नगरपालिका चुनाव के बीच में छोड़ी थी आम आदमी पार्टी। पानीपत की राजनीति में बुधवार का दिन बड़ी खबर लेकर आया है। साल 2005 में कांग्रेस के टिकट पर समालखा के विधायक रहे भरत सिंह छोकर ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्होंने रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर कांग्रेस ज्वाइन की है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव उनके राजनीतिक करियर की आखिरी पारी होगी। उन्होंने हर पार्टी के साथ काम करके देख लिया है, लेकिन जो मान सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया था वह उसे जिंदगी भर नहीं भुला सकते। आपको बता दें कि दो दिन पहले ही भरत सिंह छोकर ने अपने हलके में जनसभा को संबोधित करते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। हालांकि उस वक्त उन्होंने राजनीतिक दल का खुलासा नहीं किया था। साल 1996 में बसपा से राजनीति शुरू करने वाले छोकर अब से पहले 6 पार्टियां बदल चुके हैं। वे भाजपा, हरियाणा जनहित कांग्रेस, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, इनेलो और आम आदमी पार्टी में आना जाना कर चुके हैं। बहरहाल साल 1996 में बसपा से राजनीति की शुरुआत करने वाले भरत सिंह छोकर ने बाद में कांग्रेस का झंडा उठा लिया। भूपेंद्र हुड्डा की बदौलत साल 2005 में टिकट मिला और चुनाव भी जीत गए। अगला चुनाव आते आते उनका नंबर कट गया। 2009 में कांग्रेस ने संजय छोकर को टिकट दे दिया। इस बात से वे नाराज हो गए, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। समालखा से तब की हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी यानी हजका के टिकट पर चुनाव लड़े धर्म सिंह छोकर का समर्थन कर दिया। धर्म सिंह छोकर जीत भी गए। इस दौरान भरत सिंह हजका के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई से भी मिले, पर कुछ समय बाद उनका हरियाणा जनहित कांग्रेस से भी मोह भंग हो गया। हरियाणा जनहित कांग्रेस को बाय बाय करने के बाद इन्होंने राजकुमार सैनी का समर्थन कर दिया। राजकुमार सैनी भाजपा छोड़कर अपनी पार्टी बना चुके थे, पर देखा कि राजकुमार सैनी के साथ रहने का फायदा नहीं है। तब उन्होंने पिछले चुनाव में भाजपा का दामन थामा। हालांकि इससे पहले भी वे भाजपा में रह चुके थे। इस बार उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें पार्टी टिकट देगी, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर भी पार्टी में बने रहे। इसके बाद